पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली से न्याय यात्रा निकाली गई। वहीं पौड़ी पहुंची इस यात्रा में अंकिता भंडारी की मां भी शामिल हुई। यात्रा में शामिल हुई अंकिता भंडारी की मां ने कहा कि अब तक आरोपियों का नार्कोटैक्स नहीं होने से वो चिंतित है। अंकिता को आखिर कब तक न्याय मिलेगा? अंकिता की मां ने कहा कि उन्होंने जिला सत्र न्यायालय पौड़ी में एक अर्जी डाली थी कोटद्वार के बजाय ये केस पौड़ी न्यायालय में चले, लेकिन उनकी अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अंकिता की मां ने कहा कि कोटद्वार का सफर काफी दूर है, इसलिए वो चाहती थी कि मामला जिला स्तर न्यायालय में चले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किरण नेगी के पिता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो प्रयास करते रहेंगे। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अभी तक तो नार्को टेस्ट भी नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इनका नार्को टेस्ट होती है ना, और जो भी आई पी है इनको भी इन्होंने छुपा दिया है, इस पर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। आर्थिक स्थिति और मेरे भी बीमार हैं, और हमें उन गुंडों से भी खतरा है वहाँ कोलार में, इस वजह से हम अपना केस यहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं। देखिए, कहीं भी कोई जघन्य हत्याकांड होता है, ये बलात्कार हो चाहे हत्या हो, ये मानवता की जो है हत्या के समान है, उसके मानवाधिकार हनन के समान है। और जब अंकिता के साथ, किरण नेगी के पक्ष में मैंने अभी कहा, अब के अंकिता की बात करते हैं, अंकिता के साथ जो हुआ वो ये दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र में जो, और उनको हम FIR दर्ज करते ही इमीडिएटली उन चीज़ों को हम इफेक्ट में नहीं लाते हैं तो हमारा केस ढीला हो जाता है, और उस ढीले होने के नाते जब लास्ट में फैसले पे आता है तो वो केस बरी हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि लोग उसको, गवाहों को तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रशासन से, उत्तराखंड गवर्नमेंट से ये हम उनसे विनती नहीं करेंगे, हम उनको ये बता रहे हैं कि आप